नमस्ते, मैं समीर व्यास, साधक द योग इंस्टीट्यूट मुंबई, विश्व का सबसे प्राचीनतम योग संस्थान। आज हम देखेंगे कुछ आसन जो हमारे आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और स्वाभिमान को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो आइए इस कड़ी में पहला आसन देखते हैं। पहला आसन का नाम है भुजंगासन। इसे करने का तरीका देख लें। पहले करवट लेते हुए लेट जाएंगे। एक करवट पर पूरी तरह से आ जाए, शरीर पूरी तरह से सीध में होगा और फिर पलट कर पेट के बल आ जाएंगे, दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ कंधों से थोड़े से नीचे, छाती से बिल्कुल लगे हुए, दोनों कोनियां शरीर से बिल्कुल सटी हुई और माथा रहेगा ज़मीन से लगा हुआ। यह है प्रारंभिक अवस्था। एक बार ये अवस्था में आने के बाद श्वास भरते हुए धीरे धीरे हम ऊपर तक आ जाएंगे। सिर्फ उतना ही ऊपर तक आए, ऊपर तक आना है जहाँ तक हमारी नाभि आ सके। श्वास प्रश्वास सामान्य गति से चलो और धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे और फिर दोनों हाथ छोड़कर आगे लेके आएंगे। कुछ देर इसी परिस्थिति में विश्राम की अवस्था में, और यहाँ पर कुछ देर विश्राम करने के बाद फिर से करवट लेकर एक तरफ आ जाए और अपने दोनों हथेलियों का सहारा लेते हुए फिर से आ जाए ऊपर, और ऊपर दोनों पैर मोड़ के बैठ जाएं। तो ये था भुजंग आसन का अभ्यास। आइए अब इसी कड़ी में दूसरे आसन करने की प्रक्रिया विधि देख लेते हैं। तो शुरुआती अवस्था में अपने घुटनों के बल आ जाएंगे, दोनों घुटनों के बीच में कमर के जितना अंतर, पैरों के दोनों पंजे हुए अंदर की ओर तने हुए, और फिर धीरे 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 बिल्कुल सावधानी के साथ पीछे 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 चले जाएंगे और दोनों हाथ लगा देंगे जमीन पर, अंगूठे आगे की ओर, पैरों की सारी उंगलियां पीछे की ओर। एक बार यहाँ पर पहुँचने के बाद अपनी कमर और छाती को ऊपर की ओर ढकेले थोड़ा सा, और अपनी गर्दन को पूरी तरह से नीचे तक आ जाने दें। यहाँ पर बने रहेंगे 10 से 30 सेकंड तक और फिर यहीं से धीरे 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 ऊपर आ जाएंगे और फिर हथेलियों का सहारा लेते हुए फिर से बैठ जाएंगे और शुरुआती अवस्था पाएंगे। तो ये थे उष्ट्रासन करने की विधि। आइए बढ़ चलते हैं हंसा माँ की ओर इस विषय में कुछ और जानकारी के लिए। नमस्कार। जीवन में काम करते करते कठिनाइयाँ तो आती ही हैं और सेटबैक्स भी आते हैं। आपने बहुत मेहनत की है लेकिन आपको उसका परिणाम सही नहीं मिला, तो क्या हुआ? अब आप इस तरह लंबी लंबी बातें मत करिए, आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा, छोटी छोटी चीज़ें हाथ में लीजिए। आज का दिन आप कैसे सही ढंग से बिताएंगे, ऐसा कुछ काम करिए जो आप अच्छी तरह कर सकते हो और उसे करिए और उसका आनंद लीजिए। अपने अंदर विश्वास रखिए कि भाई मैं कर सकता हूँ। कभी ये मत कहो कि मेरे से कैसे होगा, मेरे में इतनी ताकत ही नहीं है। ये सोचना ही गलत है। हर इंसान में काफ़ी क्षमता है और हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सोचना और यूं ही फालतू में सोचते रहना ये हमारी क्षमता को कम करता है। इसलिए सोचे नहीं, करें। एक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और इसीलिए करते रहें छोटी छोटी चीज़ मगर अच्छी तरह, और गिनो कितनी अच्छी चीज़ें हुई है आपके हाथ से, तो आपका उत्साह बढ़ेगा ही। आसपास के दोस्तों को भी इस तरह रखो, दोस्त परिवार के लोग, जो आपका उत्साह बढ़ाएं, नहीं कि आपको नीचे गिराएं। तो ऐसे लोगों के साथ में बातें करना, हंसना हंसाना बहुत फायदा करेगा। नमस्कार।